नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज दर्शन शास्त्र में हम बात करेंगे मनस दर्शन एक परिचय। इसमें हम चर्चा करेंगे मनस दर्शन की दार्शनिक पृष्ठभूमि के विषय में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलोसफी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के व्याख्यान में हम मनस दर्शन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें जान लेना आवश्यक है कि मनस दर्शन से हमारा तात्पर्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनस का अर्थ है जिसके लिए अंग्रेजी का जो शब्द है माइंड, तो मनस दर्शन की जो मुख्य समस्याएं हैं वे हैं कि ये बेसिकली ये जो समस्या है ये डेकार्त के बाद शुरू होती है। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि डेकार्त सर्वप्रथम मनस देह समस्या का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अंतर्गत जो एक मूलभूत प्रश्न जो वो उठाते हैं वो ये है कि क्योंकि जो कॉजिटो है, जो जैसा कि वो कहते हैं आई थिंक देयर फॉर आई एम, तो उनके अनुसार मेरा जो एक विचारशील मनुष्य होना ये ही मुझे एक प्रकार से किसी मूलभूत तरीके से मुझे परिभाषित करता है, मेरे होने को परिभाषित करता है। तो अर्थ इसका अर्थ ये है कि मेरा जो मूलभूत स्वभाव है वह है सोचना। तो एक एक बहुत मूलभूत स्तर पर जो 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 किसी भी ज्ञाता की जो डेफिनेशन है वो एक एक विचारशील मनुष्य के रूप में की जाती है, किंतु साथ ही साथ जो विचार का जो क्षेत्र है वह होता है किसी मनुष्य का मनस पटल, अर्थात जो भी विचार होते हैं वे हमारी चेतना में उदित होते हैं। विचारों का जो क्षेत्र है, विचारों की जो पृष्ठभूमि है वह है हमारी चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वह बाय डेफिनेशन वह अभौतिक डोमेन में आती है, वह अभौतिक पृष्ठभूमि में आती है। जो चेतना जो है वह उसके विषय में कुछ भौतिक नहीं है, वह बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नेचर की एक एंटिटी है। हाँ, तो इस प्रकार से जो चेतना, विचार जो कि चेतना में उठते हैं, और चेतना क्योंकि नॉन फिजिकल है, अभौतिक है, किंतु हमारा होना एक और जहां हमारे विचारशील होने से परिभाषित होता है, अर्थात हमारे मनस में जो हो रही जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा परिभाषित होता है, किंतु साथ ही साथ हम एक मनुष्य के रूप में हम एम्बॉडीड ह्यूमन बीइंग्स हैं, अर्थात हम शरीर को साथ लिए हुए मनुष्य हैं। तो यहाँ पर जो समस्या डेकार्त हमारे सम्मुख रखते हैं वह यह है कि एक और जो हमें हमारी जो मुख्य परिभाषा है, हमारे होने की जो मुख्य परिभाषा है, जो कि डेकार्त हमारे विचारशील होने के माध्यम से देते हैं, और एक प्रकार से वे उनका इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए कि क्योंकि मैं विचारशील हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं प्रमुख रूप से मेरा जो होना है वह चेतना का होना है, किंतु साथ ही साथ मैं एक एम्बॉडीड ह्यूमन बीइंग हूँ, तो अपरिहार्य रूप से शरीर भी मेरे होने के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा होना अर्थात शरीर का होना भी उसमें सम्मिलित है। तो मेरे होने में क्योंकि मनस मुझे परिभाषित करता है, क्योंकि मनस के अतिरिक्त सब कुछ संदेह के दायरे में आता है, किंतु साथ ही साथ मैं एक सशरीर व्यक्ति भी हूँ, तो इन दोनों और जो इस प्रकार से मेरा मनुष्य के रूप में मेरा होना
मनस का होना भी है और मेरा होना शरीर का होना भी है। किंतु इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का होना, मनुष्य के होने में ये दोनों जो डोमेन हैं वे सम्मिलित हैं, दोनों प्रकार के जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं वे सम्मिलित हैं। एक ओर हमारे अंदर मनस है, हम मनस से परिभाषित होते हैं, वहीं साथ ही साथ हम हमेशा अपने शरीर को लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये एक दो अलग अलग डोमेन्स हमें इकट्ठे हमेशा हमारे अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि हम देह भी हैं तथा हम मनस भी हैं। किंतु देकार्त यहाँ से जो एक प्रमुख प्रश्न, प्रमुख दार्शनिक समस्या जो यहाँ पे उठाते हैं वह ये है कि यदि मेरा होना मनस का होना भी है और मेरा होना शरीर का होना भी है, तो इसका अर्थ है कि इन दोनों एंटिटीज़ में किसी न किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना अनिवार्य है। जैसा कि हम देखते भी हैं कि किसी भी कृत्य से पहले, किसी भी कार्य से पहले उसका जो निश्चय है, उसके विषय में जो संकल्प विकल्प उदय होते हैं वे हमारे मनस पटल में उदय होते हैं, वे हमारी चेतना में उदय होते हैं। और जब हम चेतना में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प फॉर्म करते हैं, तभी जो वो डिसीजंस होते हैं, जो निश्चय हम लेते हैं, वे हमारे शरीर द्वारा कार्यान्वित होते हैं। हमारे शरीर जो मनस में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको कार्यान्वित करते हुए कृत्य करता है, उनको कार्यान्वित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो शरीर है वह हम जो मनस जिस प्रकार से उसको उद्बोधित करता है वह उसी प्रकार से कार्य करता है। तो मनस से उसको एक प्रकार से मानो कमांड्स दी जाती हैं और मनस की कमांड्स के आधार पर ही हमारा शरीर जो है वह कार्य करता है। किंतु यदि यहाँ पर जो दार्शनिक समस्या जो खड़ी होती है वह यह है कि एक ओर हम ये देखते हैं कि मनस तथा शरीर में किसी न किसी प्रकार का समन्वय बिल्कुल ही आवश्यक है। उसके बिना जो जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं उनका कार्य करना असंभव होगा और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देना भी असंभव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम फीड किया हुआ है जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो विभिन्न एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती रहती है, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम हमारे मनस में हम विचार उत्पन्न होते हैं और वो विचार जो होते हैं उसके ओनर कहीं ना कहीं हम होते हैं, जिनके साथ हमारा होना जुड़ा होता है, और उन विचारों के आधार पर ही हमारा शरीर जो है विभिन्न कृत्यों को जन्म देता है। तो क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मनस और देह का कोऑर्डिनेशन को मानना जरूरी है, उनके बीच में किसी न किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन का होना अनिवार्य है, अदरवाइज हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा कि हम किस प्रकार से जो विभिन्न ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनके ओरिजिन को तथा उनके क्रियान्वयन को हम किस प्रकार से समझा पाएं। तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वह अनिवार्य है, उसके कारण हमें उसको, इस कोऑर्डिनेशन को, इस समन्वय को, मनस और देह के समन्वय को किसी न किसी रूप में दार्शनिक सोच हमें प्रदान करनी होगी। देकार्त इस समस्या का पर विचार करते हुए, इस समस्या का निदान करते हुए हमें ये विचार देते हैं कि जो मनस है वह है एक ग्लैंड जो कि हमारे एक ग्रंथि जो कि हमारे मस्तिष्क में कहीं होती है, जिसको पिनियल ग्लैंड कहा गया। वह पिनियल ग्लैंड के माध्यम से जो हमारा मनस है वह है हमारी बॉडी के साथ, हमारी देह के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि एक ग्रंथि है जहाँ पर ये दो अलग अलग प्रकार के स्फेयर्स, दोनों अलग अलग प्रकार की एंटिटीज, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आपस में समन्वय कर पाते हैं, वह और वह केंद्र है पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्रंथि और उसके वो इसको वे इस पूरी एक्सप्लेनेशन को वो एक एग्जांपल के द्वारा भी समझाते हैं. वो कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा शिप जो होता है वह है ऐसा नहीं कि वह उसको लहरों के 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 कंट्रोल में छोड़ दिया जाता है. उस शिप के बीचों बीच उस शिप जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा में जाता है, एक पर्टिकुलर गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके भीतर एक पायलट जो है वह बैठा होता है. और जो वह पायलट है उसके दिमाग से ही, उसके मनस में ही जो जो निश्चय होते हैं, जो संकल्प विकल्प होते हैं, उनके आधार पर ही जो शिप है उसको एक एक उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है और उसको एक गंतव्य की ओर गतिशील किया जाता है, उसको एक गंतव्य की ओर अग्रसर किया जाता है. तो वे इस उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि यहाँ पर हमें पायलट को हमारे चेतना अथवा मनस पटल की तरह समझना चाहिए. और ये मनस पटल जो है और जो शिप है वह हमारी हमारे शरीर का प्रतीक है, हमारे शरीर का उद्बोधक है. और इस प्रकार से जिस प्रकार शिप में पायलट जो एक बैठा हुआ पायलट जो है उसको शिप को एक गति प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मनस है, वह हमारे शरीर को क्रियान्वित करता है, उसको एक दिशा प्रदान करता है, उसको उसके कृत्यों को एक एक दिशा प्रदान करता है. तो इस प्रकार जो हम ये पाते हैं कि जो मनस देह समस्या है इसको ही ये जो एक मूलभूत समस्या है कि देह और मनस में किस प्रकार का संबंध संभव हो पाए, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के एंटिटीज़ हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ मनस एक और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का एंटिटी है, वहीं जो बॉडी है उसका वह एक एक प्योरली एक 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 प्रॉपरली फिजिकल एक भौतिक ऑब्जेक्ट है. तो ये जो मनस देह समस्या है यह विभिन्न रूपों में इसके विषय में बाद के जो कुछ बाद के जो दार्शनिक हैं वे अलग अलग विचार इस विषय में प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से दो विभिन्न जो स्फेयर्स हैं, जो दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के जो की जो स्फेयर्स हैं वे किस प्रकार से उनके बीच समन्वय पॉसिबल हो पाता है. इसमें यदि हम दर्शन के इतिहास की ओर देखें तो अब हम पाते हैं कि इस विषय में बहुत से अलग से विचार भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्पिनोजा तथा लाइबनीज के जो विचार हैं वे प्रमुख हैं. जो स्पिनोजा हैं वे कहते हैं कि जो अल्टीमेट सब्सटेंस है वह एक ही है और उसके विभिन्न प्रकार के मोड्स हो सकते हैं. तो उनके अनुसार जो हमारे अंदर जो प्रकाशित होते हैं, हमारे अंदर जो मैनिफेस्ट होते हैं, वे उसके दो मोड्स हैं, एक है फिजिकल मोड और एक प्रकार से नॉन फिजिकल मोड. वहीं दूसरी ओर लाइबनीज़ जो है इसको एक इस समस्या को बिल्कुल ही एक अलग रूप दे देते हैं. उनके अनुसार जो दिशा प्रदान होती है पूरे पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, उसका केवल एकमात्र एक ही स्रोत है, वह है ईश्वर. ईश्वर जो है उसने पहले ही एक प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी वह हमारे पूरे जगत में एक पहले से ही प्रोग्राम्ड, पहले से ही एस्टैब्लिश्ड एक हार्मनी उसके पूरे जगत में पहले से ही उसको एक प्रकार से दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें लगता है कि हम बिल्कुल अलग प्रकार से अपने खुद के डिसीजंस लेते हुए आगे चल रहे हैं, किंतु हमारे अंदर केवल ईश्वर का ही दिमाग रिफ्लेक्ट हो रहा है. और जो जो विभिन्न मोनेड्स हैं वे अपनी ही गति से, स्वयं की ही गति से आगे बढ़ते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरे मोनेड्स का कंट्रोल नहीं होता.
और जितनी भी अलग अलग मोनेड्स हैं वे इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी दिशाओं में जाते हैं, और जैसा कि लाइबनीज कहते हैं कि वो मोनेड्स विंडोलेस होते हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है चिदणु। जो चिदणु हैं वे विंडोलेस होते हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य प्रभाव किसी भी प्रकार का नहीं होता, वे अपनी अपनी दिशाओं में जा रहे होते हैं। किंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही एक प्री एस्टैब्लिश हार्मनी जगत में दी हुई है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो देह है वो किस किस प्रकार से कार्य होंगे, किस किस प्रकार से कृत्य उसके होंगे, वो पहले से ही ईश्वर निर्धारित कर चुका है। किंतु हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे हमारे मस्तिष्क में जो एक प्रकार की जो चेतना में विभिन्न प्रकार के जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उनका ये जो हमारे कृत्य हैं उनसे क्रियान्वित हो करके के 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 परिणाम स्वरूप फलित होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है, उनके अनुसार ये जो है ये दो अलग अलग पैरेलल समानांतर जो जितने भी चिदणु हैं वो अपने समानांतर गति करते रहते हैं और कहीं भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। और इस विचार को पैरेललिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि समानांतरवाद के रूप में भी जाना जा सकता है। किंतु यदि हम देखें, हालांकि जो मनस दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ माइंड का जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन जो होता है वह देकार्त में होता है, और इसी समस्या को जो है विभिन्न दार्शनिक चाहे वे स्पिनोजा हों चाहे लाइबनीज हों और फिर चाहे जो सम ऑफ द मोस्ट रीसेंट जो फिलोसफर्स हैं जिनमें डेनियल डेनेट, जॉन सर्ल तथा बहुत से अन्य दार्शनिकों का नाम प्रमुखता से आता है, वे लगभग वे सभी कहीं ना कहीं इसी समस्या को आगे सुलझाते हुए प्रतीत होते हैं कि क्या मनस या चेतना जो कि एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वस्तु है, हम उसको किस प्रकार से समझें, क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है, और किंतु भौतिक से किसी भौतिक वस्तु से कोई अभौतिक वस्तु किस प्रकार से जन्म ले सकती है, और जो अभौतिक का जो स्फेयर है, भौतिक वस्तुओं का जो स्फेयर है, एब्स्ट्रैक्ट जो वस्तुएं होती हैं, जो नॉन पैल्पेबल अभौतिक वस्तुएं होती हैं, उनका स्फेयर बिल्कुल ही अलग प्रकार का होता है, और जबकि जो फिजिकल वस्तुएं हैं उनका 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 जो जो उनकी ऑन्टोलॉजी, उनका होना एक बिल्कुल विभिन्न प्रकार का होता है। किंतु यदि हम देखें, क्योंकि इस व्याख्यान में हम मनस दर्शन की पृष्ठभूमि के विषय में डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस ओर यदि हम देखें तो डेकार्ट सर्वप्रथम इस समस्या को फॉर्मुलेट करते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले एक सिलसिलेवार उस समस्या को दर्शन में हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होते हैं। किंतु परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये जो समस्या है हम पाते हैं कि दर्शन में लगभग दर्शन में बहुत पहले से ही यह समस्या जो है वह किसी न किसी प्रकार से मौजूद रही। उस विषय में यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि इवन जो अर्ली ग्रीक फिलॉसफी है, जो अर्ली जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं, सुकरात से पूर्व जो यूनानी दार्शनिक थे जिनमें थेलीज, अनएक्जिमेंडर, अनएक्जिमिनीज का नाम प्रमुखता से आता है, उनका जो प्रमुख ध्येय था, उनकी जो फिलोसॉफिकल कॉन्टेम्पलेशन का, उनके जो दार्शनिक मनन का जो प्रमुख जो कारण था, जो प्रमुख समस्या जिसके विषय में वो मनन करना चाहते थे, वह यह था कि किस प्रकार से जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो हम एक बहुलता देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, एक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, एक प्लुरैलिटी देखते हैं, उसको क्या हम इस
पूरी इस सभी बहुलता को क्या हम किसी एक एक प्रिंसिपल के जरिए, किसी हम एक समीकरण के द्वारा क्या हम इस बहुलता को समझा सकते हैं? क्या हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक मोमेंट के लिए क्या हमें एक अलग एक्सप्लेनेशन तैयार करना होगा? तो उनका जो विचार की जो गति थी वह इस ओर थी कि क्या इस पर यह संभव हो सकता है कि जो जगत में होने वाले जो विभिन्न जो घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो बहुलताएं हैं जिनको हम निरंतर देखते रहते हैं, क्या उनको किसी एक सूत्र में पिरोकर क्या हम उसकी एक यूनिटरी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं? वो एक समीकरण द्वारा, एक यूनिटरी एक्सप्लेनेशन द्वारा पूरे विश्व में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको एक सूत्र में उनको समझाना चाहते थे। इसी मनन के अंतर्गत सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते ही हैं, थेलीज ने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो विश्व में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको हम जल के द्वारा समझ सकते हैं। अर्थात उनके उनके अनुसार जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वे जितने भी जो तत्व है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया यूनानी प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में, वह था आर्चाय, वह तत्व जिससे सब कुछ बना हुआ है, वह तत्व जिस पर एक मानो पूरी जिसकी जिस पर एक पूरी संरचना, विश्व की जो पूरी संरचना है वह खड़ी हुई, यानी कि एक ऐसा तत्व जिससे हम पूर्ण वैश्विक संरचना को एक सूत्र में समझ सकें। जैसा कि शब्द जो आचाय जो शब्द है उससे उस ये जो बहुत अन्य शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे आर्किटेक्टोनिक्स, जैसे कि आर्कियोलॉजी, जहाँ पर हम जो भवन निर्माण है उसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आर्चाय जो है वह उस तत्व की ओर हमें इंगित करता है, ऐसा तत्व जिसके आधार पर हम विश्व की सभी प्रक्रियाओं को, विश्व की पूरी संरचना को, विभिन्न प्रकार के संरचनाओं को एक सूत्र में पिरोकर समझा सकें। तो थेलीज के अनुसार यह जो तत्व था, यह मूलभूत तत्व जल था, और जल के आधार पर हम जितनी भी जो विश्व की बहुल जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो विद्यमान जितनी भी अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, हम उनको जल के आधार पर समझा सकते हैं। उनका उनका ऐसा कहने का कारण शायद ये भी था कि जल जो है वह विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह एक सॉलिड अवस्था में भी टेम्परेचर के चेंज के अनुसार वह सॉलिड अवस्था में बर्फ के रूप में हमें प्राप्त होता है, हमें वह लिक्विड के रूप में भी प्राप्त होता है, वह जब उसको एक एक प्रॉपर टेम्परेचर तक लाया जाता है तो वह वाष्पीकृत हो जाता है तथा गैस का रूप भी ले लेता है। तो उनके उनको लगा तो थेलीज के अनुसार क्योंकि जो जल है वह विभिन्न रूप लेने में पूर्णतया सक्षम है, तो उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि शायद जल ही ऐसा एक एक तत्व हो सकता है जिसके आधार पर हम विश्व की विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, विश्व में जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको हम समझा पाएं। वहीं जैसा कि हम जानते हैं एनैक्सिमेनीज एनैक्सिमेंडर ने कुछ अन्य प्रकार के विचार इस विषय में प्रस्तुत किए। उनके अनुसार जो किसी प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स ने किसी ने कहा कि वायु जल ना होकर के वायु वह तत्व है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो किंतु यहाँ पर जो हमारे लिए जो विषय ध्यातव्य है वह यह है कि जो सर्वप्रथम जो हमने जो प्रश्न उठाया, जो दार्शनिक समस्या उठाई, वह यह थी कि विश्व का तात्विक स्वरूप क्या है, विश्व को किस तत्व के आधार पर अल्टीमेटली हम समझा सकते हैं। किंतु यहाँ ये जो दूसरी समस्या इसके साथ ही जो खड़ी हो जाती है वह यह है कि
तत्व का जो ज्ञान है, यदि हम उस तत्व का पता भी लगा लें कि वह तत्व क्या है जिसके आधार पर हम डिफरेंट फिनोमेना जो संसार में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी जो घटनाएं हैं उनको हम समझा सकते हैं, तो उसकी जो नॉलेज भी, उसका जो ज्ञान है वह हमारे मनस पर निर्भर होता है। वह हमारे मनस में ही कहीं ना कहीं स्थित है। तो जहां एक और फिलॉसफी की शुरुआत ही ज्ञान से तथा ज्ञान की जिज्ञासा से शुरू होती है, और ज्ञान तथा जिज्ञासा दोनों ही मनस के विषय हैं, किंतु क्योंकि ये जिज्ञासाएं तात्विक रूप भी लिए हुए हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा विश्व के तत्व को जानने के लिए है, और जो विश्व है वह काफी प्रमुख रूप से भौतिक है, तो उस कारण से विश्व जो है वह एक और भौतिक होते हुए भी उसका जो ज्ञान है वह हमारे मनस में प्रदत्त होता है, जो जो, जो कि एक अलग प्रकार का स्फेयर है। तो दर्शकों, हम इस विषय में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो सर्वप्रथम जो दार्शनिक थे, उन्होंने जो मूलभूत प्रश्न उठाया वह यह था कि विश्व का तात्विक स्वरूप क्या है। किंतु उसके साथ ही साथ जो समस्या उत्पन्न हुई वह यह थी कि यदि हम विश्व के तात्विक स्वरूप को जान भी लें, तो यह सब सर्वप्रथम तो ये जो यह समस्या जो उठाई गई वह हमारी ज्ञान की जिज्ञासा के आधार पर उठाई गई। किंतु जिज्ञासा तथा ज्ञान दोनों ही मनस के विषय हैं, और यह जो तात्विक तत्व का जो ज्ञान है वह कहीं ना कहीं मनस में हो रहा है। तो यदि विश्व का एक तात्विक स्वरूप है और उसका तात्विक स्वरूप एक भौतिक, किसी एक भौतिक तत्व के आधार पर दिया जा सकता है, क्योंकि जल भी एक भौतिक तत्व है, वायु भी एक भौतिक तत्व है, तो यह जो तत्व है जिसको जो एक पूरे पूरे विश्व को विश्व को समझाने में सक्षम है, तो क्या यह तत्व हमारे ज्ञान के निर्माण में भी सहायक होता है? क्या यह हमारे ज्ञान के निर्माण में भी कार्यकारी है? क्या यह हमारी जिज्ञासाओं के निर्माण में भी कार्यकारी है? और यदि वह नहीं है तो तब यह एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सॉर्ट्स हो जाएगा, क्योंकि यह तत्व जो है वह विश्व में सब कुछ, बाकी सब प्रक्रियाओं को सुलझा देगा, सब प्रक्रियाओं के होने का हमें आंसर प्रदान कर देगा, किंतु उसकी जो ज्ञान की जिज्ञासा हमें जो सर्वप्रथम हुई और जो ज्ञान हमें इस तत्व को जानने से जो हमें ज्ञान हुआ वह किस प्रकार से उदित हुआ, वह किस प्रकार से संभव हुआ, यह तत्व उस ज्ञान को समझाने में एक प्रकार से सफल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो ये एक देह मनस समस्या है, ये बहुत पहले से ही शुरू से ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, किंतु ये जो समस्या है यह शुरू में जो दार्शनिक तत्व से जुड़ी हुई समस्याओं से जो 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 जूझ रहे थे और उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के आंसर दिए, उन्होंने यह नहीं समझा कि यह तत्व जो है वह उनको ये भी एक्सप्लेनेशन देना होगा कि यह तत्व किस प्रकार से हमारे मनस के होने को समझा पाता है, हमारे उस तत्व के विषय में जो हमारे ज्ञान को होने को समझा पाता है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा
ज्ञान जो है उसका भी कोई तात्विक स्वरूप है, क्या उसका भी कोई एक फिजिकल रूप है, क्या वह भी किसी तत्व की भौतिकता से उदित होता है, और यदि ऐसा है तो यह किस प्रकार से होता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये समस्याएं ज्यों की त्यों प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स में के दर्शन में बनी रहती हैं तथा उनके द्वारा ये बाय एंड लार्ज डिस्कस जो है प्रमुखता से नहीं होती हैं। वहीं इस प्रकार के जो तात्विक ज्ञान है उससे जुड़ी हुई एक दूसरी समस्या जो है वह ये इस प्रकार से उदित होती है कि यदि हम विश्व के का जो तात्विक स्वरूप है उसको यदि हम जान भी लें तब भी एक जो नैतिकता का प्रश्न है उसी विश्व से जुड़ा हुआ जो नैतिकता का प्रश्न है वह है तब भी शेष रह जाता है। अर्थात यदि हमें पूरे विश्व का तात्विक स्वरूप पता भी चल जाए जैसा कि वे जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं वे इसमें पहले से ही कार्यरत हैं, आइंस्टाइन के समय से जो विज्ञान जो है वह इस प्रश्न से जूझ रहा है कि क्या कोई ऐसी इक्वेशन हो सकती है जो कि संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे वह भौतिक हैं चाहे वह अभौतिक हैं, किसी कितनी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको क्या हम किसी एक समीकरण द्वारा समझा सकते हैं। इस समस्या को आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अंतर्गत समझाने की कोशिश की, क्या कोई ऐसा एक इक्वेशन हो सकती है जो जहां एक और जो हेवनली बॉडीज हैं जो आकाश में जो विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हैं उनका हमें मैथमेटिक्स दे सके, उनके हमें संरचना के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर पाए, और वहीं दूसरी ओर वही इक्वेशन क्या हमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एक परमाणु के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो एक सब एटॉमिक एक्टिविटी जो क्वांटम एक्टिविटी जो चल रही होती है क्या उसका जो मैथमेटिक्स है उसके जो स्फेयर है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है, उसमें फोर्सेस भी अलग अलग प्रकार बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं, जबकि जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर हम समझ सकते हैं किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं समझ सकते। तो साइंस में भी एक प्रमुख विषय बना रहा कि क्या एक समीकरण में बांध करके हम विभिन्न स्फेयर्स को देख सकते हैं, क्या एक यूनिफाइड फील्ड हो सकता है, क्या कोई एक ऐसा समीकरण हो सकता है जो इन दो अलग अलग स्फेयर्स को समझाने में सक्षम हो, जिसके अनुसार यानी कि एक ही समीकरण द्वारा हम जो खगोलीय गतिविधियां हैं उनको भी समझा सकें और वहीं जो सब एटॉमिक लेवल पर जो होती हो रही गतिविधियाँ हैं उनको भी समझा सकें, क्योंकि अंततो गत्वा विश्व जो है वह एक ही है। जहाँ हम मेज के विषय में तो हम पूरा मैथमेटिक्स जानते हैं किंतु मेज क्योंकि परमाणुओं से बना हुआ है तो मेज कहीं ना कहीं मेज का होना परमाणु का होना भी है। तो इस प्रकार से कोई एक ऐसी इक्वेशन जरूर होनी चाहिए जो कि हमें मेज के होने को भी समझा सके एक एक, एक पूर्ण वस्तु के रूप में, और जो मेज की जो एक फंडामेंटल यूनिट है परमाणु उसको समझाने में भी सक्षम हो, एक ऐसी इक्वेशन का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से जो ये समस्या है वह कि यदि हम तात्विक रूप को जान भी लें तो तब भी क्योंकि ज्ञान तात्विक रूप का जो ज्ञान है वह उसको भी एक्सप्लेन उसी प्रिंसिपल द्वारा किया जाना है तो क्या वह फिजिकल प्रिंसिपल हमारे ज्ञान के उदय को भी समझा सकता है। वहीं इससे जुड़ी हुई जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि यदि हम इस तात्विक ज्ञान के विषय में कोई इक्वेशन तैयार कर भी लें जैसा कि आइंस्टाइन ने चाहा, यदि हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन मिल भी जाए जिससे हम इस पूरे जगत को पूर्ण रूप से समझा सकें तब भी एक दूसरी समस्या जो है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है कि यदि हम जगत के स्वरूप को के वास्तविक स्वरूप को जान भी लें तो दूसरी समस्या यह है कि हम इस जगत के प्रति हमारी
जो कृत्य हैं वह किस प्रकार के हों। इस जगत में रहने के लिए जो हमारा जो एक प्रकार से जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, वह क्या है। तो जो फिजिकल फैक्ट्स हैं वर्ल्ड के बारे में, वे हमें नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में हमें किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देते हैं। यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि हमें कोई पता कुछ पता है कि यह जो वस्तु है उसका तात्विक स्वरूप ये है, तो तब हम क्या करें। इसका उत्तर तो हमें उस वस्तु के तात्विक स्वरूप से नहीं मिलता है। एथिक्स से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, वे प्योर कॉन्टेम्पलेशन के आधार पर ही हमें उनके उत्तर मिलना संभव हो पाता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, सुकरात से पहले जो दर्शन का जो दिशा थी, वह इस ओर थी कि वस्तुओं का, जगत का तात्विक स्वरूप क्या है। वहीं सुकरात इस इंक्वायरी को एक दूसरी दिशा देते हैं कि एक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जिया जाए। जैसा कि वे कहते हैं, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसा जीवन जिसमें जो कि हमारी गवेषणा पर ही आधारित ना हो, जो कि हमारे किसी भी अन्वेषण पर आधारित ना हो, जो किसी भी फिलोसॉफिकल कॉन्टेम्पलेशन पर आधारित ना हो, ऐसा जीवन जीने के योग्य ही नहीं है। तो उन्होंने जो दार्शनिक विधा है, दर्शन का जो दर्शन में जो मनन है, उसकी दिशा जो है एथिक्स की तरफ, जीवन जीने की कला की ओर उन्होंने उसकी दिशा मोड़ दी। तो जैसा कि हम जानते हैं, सुकरात एक मार्केट प्लेस में जो उस समय के जो युवा व्यक्ति होते थे, वे उनके साथ विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते थे मार्केट प्लेस में। और उनकी इस ये जो विधि थी वार्तालाप के जरिए किसी न किसी उत्तर तक पहुंचना, यह विधि को यह विधि कहलाई डायलेक्टिक्स, अर्थात द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिकल मेथड। इसका अर्थ ये है कि वे जो जितने भी जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, जो नैतिकता से जुड़े जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि शुभ क्या है, अर्थात डेफिनेशन ऑफ गुड, शुभ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गुड, या जस्टिस की परिभाषा, न्याय की परिभाषा, न्याय किसको कहा जाना चाहिए। अब जो न्याय जो है, वह एक ऐसा आइडिया है जो कि एक भौतिक आइडिया नहीं है, यह है एथिक्स के स्फेयर में, के डोमेन में आने वाला आइडिया है। यह है पॉलिटिकल पॉलिटी से संबंधित आइडिया है। उसी प्रकार से गुडनेस, शुभ, जिसको हम शुभ कहते हैं, यह जो विषय है, किस वस्तु को गुड कहा जाए, क्या हमारे कौन से कृत्य जो हैं शुभ की श्रेणी में आएंगे, हमारे कौन से कृत्य जो हैं ईविल, अर्थात अशुभ की श्रेणी में आएंगे। ये जो शुभ और अशुभ जो की जो समस्या है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शुभ और अशुभ की जो अवधारणा है, न्याय की जो अवधारणा है, वह एक भौतिक अवधारणा नहीं है। कुछ प्रकार के जो कृत्य हैं वे न्यायपूर्ण कहलाए जाएंगे, कुछ अलग प्रकार के कृत्य जो हैं वे अन्यायपूर्ण कहलाएंगे, और उनका जो इवैल्यूएशन है वह पूर्ण रूप से एक अलग स्फेयर है, जो कि फिजिकल स्फेयर नहीं है, जो कि एक भौतिकता से जुड़ा हुआ स्फेयर नहीं है। तो इस प्रकार से जो जीवन को जीने के विषय में जो मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, एक अच्छे जीवन को, गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन को जीने के विषय में जिन अवधारणाओं को के विषय में हमें के जिन जिन अवधारणाओं की परिभाषाओं को हमें निर्मित करना होगा, वे जो विषय हैं वे बिल्कुल अलग प्रकार के विषय हैं, और वे विषय जो हैं वे अभौतिक विषय हैं। और इस प्रकार से जो हमारे जीवन में से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, वे केवल भौतिक वस्तुओं के विषय में ही नहीं होते, बल्कि एक जो होल डिफरेंट स्फेयर जो है वह अभौतिक के
के डोमेन में, इस अभौतिक के स्फेयर में आता है, जैसे कि एथिक्स, जैसा कि हमने जाना कि सुकरात ने जो जो भौतिक तत्व से इसकी दिशा, जो हमारी जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, जो दार्शनिक अन्वेषण है, उसकी दिशा एथिक्स की ओर मोड़ देते हैं। जीवन, एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जिया जाए, इस प्रश्न की ओर मोड़ देते हैं। और यह जो प्रश्न है वह संसार के फैक्ट्स से बिल्कुल अलग प्रकार का विषय, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जिसको हम इस विषय को हम फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। यदि हम संसार के विषय में सारे फैक्ट्स, सारे तथ्यों को जान भी लें, जो कि साइंस का प्रमुख ध्येय है, जो कि विज्ञान का प्रमुख ध्येय है, विज्ञान एक प्रकार से इसी दिशा में सदैव अग्रसर रहता है कि किस प्रकार से जो जो जगत की जो संरचना है, जगत के जो विभिन्न तथ्य हैं, हम उनको किस प्रकार से समझ पाएं। किंतु उनका जो, उनके ज्ञान का जो स्फेयर है वह एथिक्स के स्फेयर से बिल्कुल अलग है। और जो एथिकल क्वेश्चंस हैं वे उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि तात्विक प्रश्न होते हैं। कई मायनों में अगर देखा जाए तो जो नैतिकता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, न्याय से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, शुभ से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, वे कई मायनों में तात्विक प्रश्नों से भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह है जीवन, और जीवन जो है वह है हमारे कृत्यों के विषय में। टू बी इज टू एक्ट। यदि हम जी रहे हैं तो इसका अर्थ है हम कार्यकलाप कर रहे हैं। यदि हम कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो इसका अर्थ है कि शिथिलता का अर्थ है कि आजीवन, यानी कि जीवन की जो निशानी है वह है कृत्य, मूवमेंट। और जो कृत्य हैं वे एक प्रकार से नैतिकता के स्फेयर, उसमें उनके साथ नैतिकता का स्फेयर हमेशा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन है वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये जो मनस देह समस्या आगे चल करके जो देकात जिसको एक एक अलग समस्या के रूप में उठाते हैं, परोक्ष रूप से देखा जाए तो ये भी समस्या कहीं ना कहीं उसी प्रकार की समस्या है कि दो स्फेयर जिनमें से कि एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है, और ये दोनों ही जो स्फेयर हैं ये इस जगत में विद्यमान हैं, और इस कारण से इन दोनों स्फेयर्स का किसी न किसी प्रकार से, इन दोनों स्फेयर्स में किसी न किसी प्रकार का समन्वय होना जरूरी है। और एक 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 दार्शनिक के रूप में, एक दर्शन विधा में हमें इसको थियोराइज करना, इसके विषय में किसी न किसी एक्सप्लेनेशन को संभव बनाना, ये एक 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 महत्वपूर्ण चुनौती दर्शन के क्षेत्र में हमारे सामने रहती है। तो इस प्रकार से हमने यह जानने की कोशिश की कि जो फिलॉसफी ऑफ माइंड है, यानी कि जो मनस दर्शन है, उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा है वह यह है, उसकी जो प्रमुख समस्या है वह यह है कि मनस तथा देह, माइंड एंड बॉडी, जो कि बिल्कुल अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, वे कहीं ना कहीं एक जगह पे उनमें किसी ना किसी प्रकार का समन्वय होना आवश्यक है। किंतु ये दोनों अलग 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 प्रकार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल अलग अलग मूलभूत इसमें भिन्नताएं हैं, और इनमें कोई, किंतु उसके बावजूद क्योंकि इनमें कोई ना कोई समन्वय आवश्यक है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये दो अलग अलग स्फेयर्स कहीं ना कहीं ओवरलैप जरूर करते होंगे। और इस समन्वय को समझाना मनस देह समस्या में एक प्रमुख मुद्दा है, जो कि आगे चल करके एक अलग रूप धारण कर लेता है, जो कि आगे चल करके जो दार्शनिक है वे इस विषय में बात करते हैं कि मनस का स्वरूप क्या है। क्या मनस को हम मस्तिष्क के एक फंक्शन के रूप में समझा सकते हैं? क्या मस्तिष्क अर्थात ब्रेन तथा मनस दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं? क्या जो मनस है, माइंड जो है, वह ब्रेन से कुछ और ज़्यादा बढ़ करके है? या जो ब्रेन जो है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क बेसिकली क्या है? मस्तिष्क जो है विभिन्न प्रकार की न्यूरोलॉजिकल फायरिंग्स हैं,
अर्थात जो हमारा मस्तिष्क है वह विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन से बना हुआ है और जब कोई भी हम किसी भी प्रकार का चिंतन कर रहे होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की फायरिंग्स यानी कि विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं, जो विभिन्न प्रकार के सिनेप्सिस जिन्हें हम कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जुड़ाव न्यूरॉन्स में वे संभव हो पाते हैं और उन जुड़ावों के कारण ही हम किसी प्रकार की सोच को संभव बना पाते हैं। किंतु यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो ब्रेन है वह एक भौतिक वस्तु है और जो मनस जिसे हम कहते हैं और जिसे हम सोचना कहते हैं वह एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वस्तु है। क्या ब्रेन जो है, क्योंकि ब्रेन भौतिक है और कोई भी जो भौतिक वस्तु होती है उसका एक लिमिटेड, एक फाइनाइट स्फेयर होता है, और यदि कोई वस्तु भौतिक है तो उसके भौतिकता के में होने के भौतिकता के स्फेयर में होने के कारण उसकी एक अपनी अलग लिमिटेशंस होती हैं, तथा भौतिक जगत को क्योंकि हम कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत हम उसको समझा सकते हैं, अर्थात जैसे कि हमने अभी जाना साइंस में जो हमारा एक जो प्रमुख जो समस्या है वह यह है कि हम किस प्रकार से जितनी भी जो घटनाएं हैं वैश्विक जगत में होने वाली, ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं हम उनको एक सिंगल इक्वेशन, एक सिंगल समीकरण से समझा सकें। तो इसका अर्थ ये भी है कि हम क्योंकि जो मनस में विभिन्न प्रकार की जो सोच हैं उनको भी हम इसी तात्विक अन्वेषण के अंतर्गत हम जो 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 एक सिंगल यूनिटरी प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम समझा पाए। किंतु उसका अर्थ ये होगा क्योंकि जो विज्ञान है वह प्रत्येक वस्तु को कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखता है। वह कोई भी जो वैश्विक घटना है, कोई भी विश्व में जो घटना हो रही है उसके कारणों पर जो है उसकी वो इंक्वायर करता है, उसके कारणों के विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो संसार जो है वह एक वैज्ञानिक संसार को एक कॉज एंड इफेक्ट श्रृंखला के अंतर्गत देखता है कि जो विश्व है वह ऐसा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा और वह कारण यह है और उसके पीछे के जो कारण है इस प्रकार से वह उन कारणों को एक क्रमबद्ध श्रृंखला में बांधता चला जाता है। किंतु यदि यदि ऐसा है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जिस प्रकार से कार्य कारण श्रृंखला हमेशा एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार से और उसकी उसको जो नियंत्रण करने वाला वाला जो कारक है वह नेचर है। नेचर अपने आप उस कार्य कारण श्रृंखला को निर्धारित करती है। तो उस प्रकार से या यदि उसके पीछे जो कारण है वे नेचर में ही कहीं ना कहीं छुपे हैं, नेचर अर्थात हमारे हमसे बाहर कहीं छुपे हैं, तो यदि ऐसा है और नेचर की अपनी स्वयं की एक अलग गति है, तो यदि हमारे जो सोचने की प्रक्रिया है उसको भी उसी प्रकार से समझाया जा सकता है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत समझाया जा सकता है, तो इसका अर्थ होगा कि क्योंकि नेचर का एक अपना अलग इवोल्यूशनरी पैटर्न है, नेचर का एक अपना अलग कार्य कारण श्रृंखला है, तो हमारा सोचना भी, हमारे जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं उसमें जो नैतिकता का स्फेयर भी जो है उसी कार्य कारण श्रृंखला का ही एक हिस्सा बन जाएगा। किंतु यदि ऐसा है तो यह हमें कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म की ओर ले जाता है, क्योंकि बाकी जो जितनी भी विभिन्न वस्तुएं यदि उसके पीछे कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर वे गतिमान होती हैं, जैसे यदि हम चंद्रमा के स्फेयर को देखें वह एक निश्चित गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके पीछे कुछ कारण हैं, उसकी गति के पीछे कुछ कारण हैं वगैरह वगैरह, और यदि हम अब स्वयं को भी हमारे हमारे मस्तिष्क, हमारे मनस, हमारी देह, हम उसको भी उसी प्रकार से समझा दें तो इसका अर्थ होगा कि हम भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम भी किसी न किसी कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत हमारे सभी विचार क्रियान्वित हो रहे हैं, उसी कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत हमारे शरीर के जो विभिन्न जो कार्यकलाप होते हैं वे भी उसी कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत ही क्रियान्वित हो रहे हैं। किंतु यदि ऐसा है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम डिसीजन लेते हुए प्रतीत होते हैं,
हम कोई भी एथिकल डिसीजंस, नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में हम डिसीजंस लेते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वो डिसीजंस हम नहीं ले रहे होते हैं, वे पहले से ही किसी कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत वे डिसीजंस पहले से ही निश्चित होते हैं, अर्थात हम एक निश्चितता से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो एथिक्स का स्फेयर है, यदि हम जो मनस के होने को मस्तिष्क के होने द्वारा ही जो जो संसार की भौतिक संरचना है उसके अंतर्गत ही यदि हम समझा सकें, तो नैतिकता का जो स्फेयर है वह उसका उसका होना एक प्रकार से एक उसका वह एक प्रकार से डिस्कार्ड हो जाएगा, अर्थात जो नैतिकता का जो स्फेयर है वह कहीं ना कहीं अपना महत्व पूर्ण रूप से खो देगा, क्योंकि नैतिकता के स्फेयर का अर्थ है कि हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कारी है, हमारे लिए क्या करना शुभ है, हमारे लिए क्या करना अच्छा है और हमारे लिए क्या करना बुरा है, इसका जो डिसीजन है हम ऐसा जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, हम किसी प्रभाव के अंतर्गत नहीं ले रहे, हम अपने ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो हम हमारे मस्तिष्क में आपस में सिनेप्सिस उनमें हो जाता है, इस कारण से हम डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भौतिक कारणों से हम डिसीजन नहीं लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं एथिक्स में, नैतिकता के स्फेयर में, नीति शास्त्र के संदर्भ में, कि हमारे जितने भी जो एक्शंस हैं वे फ्रीली परफॉर्म होते हैं, उसके विषय में हम इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक डिसीजन लेते हैं। यदि हम हमारे जितने भी डिसीजंस हैं वे यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक हमारे द्वारा नहीं लिए गए हैं, तो एक प्रकार से वे कृत्य हमारे हैं ही नहीं, यानी कि उस कृत्यों के लिए फिर हम जिम्मेदार भी नहीं हैं, क्योंकि वे नेचरबद्ध, क्योंकि मेरे प्रकृतिबद्ध रूप से मेरे अंदर से केवल प्रकाशित हो रहे हैं, केवल मैनिफेस्ट हो रहे हैं, किंतु क्योंकि वो मैंने उनको फ्रीली परफॉर्म नहीं किया है, मैंने उनको फ्री डिसीजन लेकर के परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यदि हम मनस को मस्तिष्क के रूप में पूर्णतः समझा दें, यानी कि हम नॉन मटेरियल को मटेरियल के संदर्भ में के अंतर्गत पूर्ण रूप से यदि हम समझा दें, तो एक अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं, कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ फ्री विल, तथा जो एक जो फ्री ह्यूमन एजेंट, जो कि किसी भी प्रकार की एथिकल इवेल्युएशन, जो हम नैतिक मूल्यांकन के लिए एक मूलभूत पूर्व मान्यता है, एक नेसेसरी, एक अनिवार्य पोस्टुलेट है, एक अनिवार्य मान्यता है, वह ही जो उसकी संभावना ही जो है वह यदि हम उसको भौतिकता के स्फीयर में ला करके समझा दें, तो एथिक्स की संभावना ही जो है वह उसके एथिक्स के स्फीयर की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मनस देह समस्या है वह प्रमुख रूप से ये है कि क्या मनस और देह और दो अलग अलग प्रकार की एंटिटी हैं, यदि हैं तो उनके विषय में उनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध होना अनिवार्य है, किंतु यदि हम मनस को जो कि एक अभौतिक वस्तु है एक भौतिक वस्तु के जरिए समझा दें, तो एक अलग प्रकार की समस्या हमारे सामने कुछ अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो दर्शकों, इस विषय में हम अपनी चर्चा आगे के व्याख्यानों में भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हम आगे दीजिए, धन्यवाद।